बॉयल हो रहा है, ग्राउंड वाटर बॉइल्ड पानी है। तो इस पानी से क्या होता है नहाने से? मतलब जोड़ों का दर्द शायद जिसको है वो ठीक हो जाए। वेलकम बैक टू अनदर डे। तो आज हम सुबह रेडी हो गए हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं और आरती में बैठेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। चलो चलते हैं। जय माता दी। गाइस कपाट खुल गए हुए हैं, जय माता दी। गाइस माता रानी के दर्शन हो गए हैं, तो अब हम निकलेंगे घर के लिए। घर तो नहीं पहुंच पाएंगे, जहां से यात्रा स्टार्ट की थी वहां तक जाएंगे, तो रात का स्टे वहीं का होगा। तो चलते हैं, चलो दिखाता हूं आपको और शॉट्स। स्नोफॉल हुई है, देख सकते हैं आप, यहां चारों साइड स्नोफॉल है। ये भी देखो, इस पहाड़ ग्रीन पहाड़ के पीछे है, अभी दिख रहा नहीं है यहाँ से, और वो सामने देख सकते हैं बादल के ऊपर, चारों साइड स्नो है। इतना अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पे। ये देखिए गाइस माता रानी का मंदिर बाहर से, हमें गुफा मिली है रास्ते में एक, हम जा रहे थे। देखते हैं कौन सी प्राचीन गुफा है। मुझे ये दोनों आहिस्त मंजूर है, लेकिन इसके लिए क्या मिलेगा? फाइनली गाइस गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। सुबह 9 बजे चले थे दरबार से, तो अभी कुंडेल आया है गांव, तो अभी बज रहे हैं 7, तो अभी पहुंचे हम। ठीक है, टांगों की बड़ी बुरी हालत हो चुकी है, तो अभी यहां से घर कोई 350 किलोमीटर दूर है जम्मू, तो अभी यहां पे रात को स्टे करेंगे। आपको बताता हूँ कहाँ स्टे करेंगे, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। आज के दिन को यहीं ख़त्म करेंगे, अब देखते हैं कल का कहाँ प्लान बनता है। नेक्स्ट वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। वेलकम बैक टू अनदर डे। तो हम रुके थे रात को कुंडेल, एक गांव है छोटा सा, जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी, तो वहाँ रुके थे। आज सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी निकलेंगे गुलाबगढ़ के लिए। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, उसके बाद गुलाबगढ़ के बाद एक थोड़ा सा कोई आधे घंटे के रास्ते के बाद एक आएगा तत्ता पानी। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड से ही नेचुरल हॉट वाटर निकलता है, तो वो आज कवरअप करेंगे और घर के लिए निकलेंगे, नहीं तो रास्ते में और कहीं अगर प्लान बना वो भी आपको कवरअप करके दिखाएंगे। तो चलो निकलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे पहुँच गए हैं, तत्ता पानी पहुँच गए, देख सकते हैं गाइस यहाँ के विजुअल्स। बॉइल हो रहा है पानी यहाँ पे ना, बिना किसी चीज़ के बॉयल हो रहा है, ग्राउंड वाटर बॉयल्ड पानी है। बीच में नाग देवता की स्टैचू लगाया हुआ है उन्होंने। ये जैसे पानी आ रहा है बाहर से, और यहाँ पे नहाने का बनाया है इन्होंने,
आंसू जाएगा हमारा बीच में। अच्छा बंद कर दिया अभी, देखना ठंडा जल गया। गाइस बहुत ही गर्म पानी था, हमारी तो स्किन नहीं उतर गई इतने गर्म पानी था। वासु ते वो कैसा लगा नहा के? पहले से अच्छा लग रहा। ये पापा प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से, ये गुड़िया बेच रही है। गुड़िया क्या नाम आपका? गायत्री शर्मा। कहाँ रहते हो? यहाँ पे मंदिर जाएंगे अंदर। गाइस व्यू देखो गाइस, पंडित जी कौन से भगवान है? शेषनाग जी हैं। ये पानी कहाँ से आता है भाई? यहाँ ही निकलता है, मतलब नीचे से ही निकलता है जी। हाँ, निशानी जब से नाग देवता यहाँ आए तब से निकला हुआ है ये पानी। अच्छा जी, कब आए थे कोई है पता? कोई पता नहीं है, बहुत पुराना है ये, कई सौ साल पुराना है। सतयुग की बात होगी कहीं। साधु रूप में आए हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठ गए हैं तब से। वही पानी शानी जो है इनका ही निकाला हुआ। तो इस पानी से क्या होता है नहाने से? जोड़ों का दर्द शरद जिसको है वो ठीक हो जाता है। और कोई स्किन प्रॉब्लम? स्किन प्रॉब्लम को क्या करेगा, ऐसे जो नॉर्मल होगी तो ज्यादा नहीं। अच्छा, ये जोड़ों का है, जोड़ों का ठीक हो जाता है। गाइस वहाँ पे आपने देख लिया होगा तत्ता पानी में क्या था, वो पंडित जी ने बताया था। अब हम आए हैं किश्तवाड़ सरथल देवी माता के। तो ये किश्तवाड़ से कोई 7-8 किलोमीटर आगे आके रास्ता आता है, तो 18 किलोमीटर ऊपर है उसके काली माता का मंदिर है। चलो वो कवर अप करते हैं, लेट्स गो। ये रास्ता है यहाँ पे, ये व्यू है पीछे का, बड़े सारे लोग। तो गाइस पहुंच गए हम सरथल माता, ये मंदिर की एंट्री है, यहाँ से अंदर जाएंगे और ये आप व्यू देख सकते हो। हम कोई 100-150 स्टेप्स ऊपर आए हैं सीढ़ियों से, तो देख सकते हैं इसका व्यू। अच्छा मौसम है, आप देख सकते हैं काली माता का मंदिर है। ये काली माता, सरथल माता जो बोलते हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। इस ब्लॉग को यही करते हैं एंड, होपफुली आपको मज़ा आया होगा इस सीरीज़ में। तो अब मिलते हैं आपको सीधे नए ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। इतनी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने के लिए, तो होपफुली आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे और शेयर भी कर दो यार, आपके लिए तो है। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।